नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक आपको चतुर्थ सेमेस्टर अंग्रेजी विषय की कक्षाएं 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें आपको अभिषेक सर के द्वारा रिटर्न नोट्स के द्वारा क्लासेस दी गई हैं। चतुर्थ सेमेस्टर की प्रत्येक विषय की क्लासेस चैनल पर चलाई जा रही हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हैं, वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर हर प्रत्येक विषय को आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी क्लासेस चल रही हैं। हमारे नोट्स डेली क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से। यदि साथी आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स, संस्थान फ्रेंड्स सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करेगा आपके बीच अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी अच्छी मेहनत करके पढ़ाने में। अब आप अभिषेक सर के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की इस इंग्लिश की क्लास में अभी तक आपने 3 वीडियोस देखी हुई हैं, 3 वीडियो लेक्चर देखे हुए हैं, जिसमें मैंने क्या पढ़ाया हुआ है, उसमें टीचिंग मेथड्स पढ़ाए हुए हैं। क्या होते हैं टीचिंग मेथड्स? बायलिंगुअल मेथड कितने प्रकार के होते हैं, बायलिंगुअल मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड हो गया, ये सब बताया गया है। उसके बाद वाली क्लास में मैंने स्ट्रक्चर अप्रोच के बारे में बताया है और उसके बाद वाली कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में बताया। वो आप अगर वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप ज्वाइन करके हमारी वाली वाली क्लासेस ज़रूर देखें। उन देवल क्लासेस को देख के आप इस क्लास को देखिए तो आपका एक सिलेबस के अनुसार क्लासेस चलेंगी, जिससे आपका आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। आप सिलेबस से सारी क्लासेस देखिए पहले, फिर उनको लीजिए, अच्छे से अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, उन्हीं से आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में मैं ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ग्रामर पोर्शन में आपको सबसे पहले नाउन मैं पढ़ाऊंगा, क्या होता है नाउन, प्रोनाउन, ये सब पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद अंत तक प्रीपोजिशन, कंजक्शन सब पढ़ाऊंगा, तो आपका पूरे एक प्रकार से ग्रामर कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं। तो सबसे पहले नाउन, पेपर में क्या होता है नाउन, क्या होता है सबको पता है नाउन क्या होता है, आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, यह आप सबने बचपन में पढ़ा। लेकिन पेपर में आपसे नाउन नहीं पूछता कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन नहीं पूछता। पेपर में जो है नाउन की डेफिनेशन नहीं आती, पेपर में जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो उसके नियमों पर आधारित होते हैं, उसके रूल्स पर आधारित होते हैं। तो मैं आपके लिए वही रूल्स लेके आया हूँ, ये देखिए वही मैं रूल्स लेके आया हूँ नाउन प्रोनाउन के। इसमें जो है पहले नंबर कि नंबर से रिलेटेड जो रूल्स हैं मैं सारे करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा। तो आपको पूरे जितने भी नियम हैं, सब नाउन से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो उस कड़ी में पहला जो रूल है, कुछ नाउन्स के, पहला रूल क्या है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल्स में समान रूप रहते हैं। जैसे सीप हो गया, जैसे क्या हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया इत्यादि, इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाला वर्ब से होता है। इनका नंबर क्या होता है, इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है। तो क्या है, जैसे द सीप इज ग्रेजिंग, इसमें क्या हो गया, एक सीप जो है वो ग्रेजिंग कर रहा था, चल रहा था। दूसरा, मैनी सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अनेक सीप, उस देखिए इसमें जो है दोनों में सीप का, एक मिनट, दोनों में, इसमें भी इसके नीचे वाले एग्जांपल में भी मैनी सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सीप का एक ही बार लिखा गया, सीप में कोई चेंज नहीं किया गया, मतलब सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप से यूज किया गया। ऐसे डियर को भी हम देखेंगे, डियर को भी देखेंगे, द डियर वाज ग्रेज रनिंग इन द फॉरेस्ट, एक हिरण जो है जो वो रनिंग में फॉरेस्ट में रनिंग कर रहा था। द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड, द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड, अनेक डियर जो थे वो मैदान में, आर लग गया ना,
आर सिटिंग इन द फील्ड। देखिए इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डियर का ही यूज किया गया, ठीक है। तो ये आपको नियम समझ में आ गया होगा। कुछ होते हैं कुछ जैसे सीप, जैसे क्या हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, सीप, डियर, स्वाइन, इनको हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी। तो ये हमारा रूल ऑफ नंबर्स में पहला रूल हो गया। चलते हैं अगले नियम पे। अगला नियम जो है, यदि स्कोर कौड़ी बराबर 20, 100, 1000, डोजन, दर्जन के पूर्व संख्या होती है तो एस लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। किंतु यदि पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं तथा उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या कहता है इसका आप समझिए। जैसे पहले देखिए, अगर क्या बोल रहा है, पहले देखिए, दर्जन के पूर्व संख्या होती है तो एस नहीं लगाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल देखिए, आई बॉट 3 dozen बैंगल। इसमें क्या है, दर्जन के पहले संख्या आ गई 3, क्या आ गई, संख्या आ गई। इसका मतलब हम इसमें dozen में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई बॉट 3 dozen मैंगोस। अगर इसमें देखिए, अगर इसमें संख्या नहीं लगती तो हम लिख देते हैं आई बॉट 3 dozen। अगर 3 नहीं होता तो dozens हो जाता इसमें, लेकिन इसमें 3 आ गया इसलिए इसमें संख्या नहीं लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। अब जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, लिखा है हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड। कितना क्या लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए एस आ गया क्योंकि इसमें संख्या नहीं लिखी हुई है हंड्रेड के आगे। ऐसे ही दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, माई फादर गिव मी 500 rupees। इसमें देखिए हंड्रेड के पहले जो है 5 आ गया, क्या आ गया, हंड्रेड के पहले 5 आ गया तो इसमें हंड्रेड्स में नहीं एस लगा, हंड्रेड में एस नहीं लगा, ठीक है। तो ये दूसरा नियम था, आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले नियम पे। 3 नंबर नियम क्या कहता है, तीसरा नियम देखिए, कुछ नाउंस देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। जैसे पीपल, कैटल, प्लॉट, पोल्ट्री, घरेलू मुर्गी, बत्तख आदि, वर्मिन, अन्य इत्यादि को हानि पहुंचाने वाला कीड़ा, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक आदि शब्दों में क्या होता है, एस नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं लगता है। अब देखिए इनकरेक्ट, ये पहला एग्जांपल देखते हैं, इनकरेक्ट, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड तो इसमें एस नहीं लगेगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्ट दिया होगा आपको, करेक्ट बनाना होगा। कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है, क्या होता है, कैटल आर ग्रेजिंग, मतलब कैटल को हम प्लूरल में भी वही यूज करते हैं, सिंगुलर में भी वही यूज करते हैं। ऐसे अगला देखिए, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्विटेड। तो जेंट्री ऑफ दिस टाउन, इसमें जेंट्री को हम सिंगुलर के रूप में नहीं प्लूरल के रूप में यूज करते हैं, इसलिए इज लगा था तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, द पीपल हैज अरेस्टेड, ये भी हैज लग दिया है, ये पुलिस को सिंगुलर में गिन लिया है तो सिंगुलर में नहीं गिना जाएगा। पुलिस को हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव। पुलिस जो है अरेस्ट, पुलिस जो है प्लूरल में यूज की जाती है। अगला, द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच नहीं होगा, जो पीपल ऑफ अमेरिका क्या एक लोग हैं, बहुत लोग हैं ना, करोड़ों, तो पीपल आर ऑफ अमेरिका आर रिच, तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ये आपको नोट लिखा है, पीपल का अर्थ लोग, जनसमूह होता है, पीपल का अर्थ राष्ट्र, नेशन होता है। जैसे देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स नेशन इन एशिया, तो इसमें पीपल का मतलब राष्ट्र के रूप में भी यूज किया जाता है, यही लिखा है। चलते हैं अगले नियम पे, क्या कहता है हमारा अगला नियम देखते हैं। कुछ नाउंस का प्लूरल नहीं होता है जो वे केवल सिंगुलर के में प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्केंट्री, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिसचीफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फाबेट, वर्णमाला, ऑफस्प्रिंग, संतान, न्यूज। ये सब जो हैं हमारे जितने भी हैं, ये सब इनको याद करना पड़ेगा कि ये प्लूरल में नहीं, इनका प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर के रूप में ही यूज किया जाते हैं। ज़्यादा सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, ठीक।
ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि आर लग गया, ये प्लूरल के रूप में यूज कर दिया गया, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपको याद कर लेना है, ठीक है। कौन कौन से? सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, लगेज वगैरह, ठीक है। इनको आप हमेशा सिंगुलर में यूज कीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा आपकी परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए। अगला नियम देखते हैं। यदि कलेक्टिव नाउन में सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल, एक मिनट, उसके साथ वर्ब जो है प्लूरल होता है, जैसे कमेटी हो गया, गवर्नमेंट जूरी। देखिए कमेटी जो है वो हमेशा किसमें यूज किया जाएगा, वो हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाएगा भाई। ऐसे शब्द हैं द कमेटी वर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? द कमेटी वाज होगा, ठीक है। द कमेटी वाज वन ऑन हिज दिस पॉइंट। अगला है द कमेटी वाज डिवाइडेड इन वन पॉइंट, इसमें भी वाज लगा दिया, देखिए भाई, तो इसमें क्या होगा? वर होगा। द कमेटी वाज, एक मिनट, ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कलेक्टिव नाउन में सामूहिक रूप का बोध होता है, क्या होता है? सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसे सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, अगर वर्ग यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित होता है तो उसे प्लूरल वर्ग में यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखें द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट कि एक स्थान पर है, ठीक, तो ये सामूहिक का बोध कर रही, तो इसमें ये प्लूरल की तरह यूज होगी। ये इतना डीप आपके पेपर में नहीं आएगा लेकिन मैं कराया दे रहा हूँ। द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, ठीक है, तो ये वन पॉइंट पे डिवाइड होती है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट नियम कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट होंगे। इसका कुछ नाउंस देखने में, अगला नियम देखते हैं, कुछ नाउंस देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, जैसे क्या हो गया? फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मशीन्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया। ये देखने में तो भाई प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका यूज हम कैसे करते हैं? देखने में इसको यूज हम सिंगुलर की तरफ से करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है फिजिक्स आर अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इसमें देखने का बहुवचन लग रहा है भाई फिजिक्स, ठीक है, लेकिन ये है क्या, इसको हमने इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट, इसको मतलब हमने इसका सही यूज जो है इसको सिंगुलर के रूप में ही यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, इसको आर के रूप में नहीं यूज करेंगे, इसमें जो है इज लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो ठीक, ये आपको नियम समझ में आ गए होंगे, कुछ नियम होते हैं ऐसे। चलते हैं अगले नियम पे। अगला नियम है कुछ नाउंस बहुवचन प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्पेक्टेकल्स, चश्मा जो होता है ये बहुवचन में यूज होता है, सीजर ये भी बहुवचन में यूज होता है, टफ चिमटा, ए आर्म्स वीक, रिचेस धन, ट्राउजर्स पाजामा, स्प्रिट्स थैंक्स आदि, ये सब हमेशा इसमें यूज होते हैं, ये सब हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगला नियम देखते हैं, कुछ बीमारियों के नाम जैसे द मम्स, द मीजल्स तथा खेल कूदों के नाम जैसे जिम्नास्टिक हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया आदि नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। तो ये कुछ हैं जो गेम हैं ये हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे करे जाते हैं, ठीक है। द मम्स इज, देखिए इज लगाया गया तो इसका मतलब ये हमारा सिंगुलर नंबर में यूज किया गया। ऐसे अगला नियम देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउंस सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउंस जो होते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, जैसे अब्स्ट्रैक्ट कॉपर, काइंडनेस, टिन, एंगर। एंगर क्या होता है? भाववाचक संख्या होती है। कॉपर जो होती है मटेरियल नाउन है, काइंडनेस मतलब भाववाचक, ठीक है। सिंपथी, वाटर, मिल्क, राइस एंड ब्रिक, स्टोन इत्यादि जितने भी हैं ये हमारे उसमें यूज होते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में, इनके सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, किसमें? सिग्नल फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे माय सिंपथीज आर ऑलवेज विद द पुअर, मेरी सिंपैथी हमेशा पुअर के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। वीट्स आर ग्रोन
2021 में वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया, वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन लार्ज क्वांटिटी। जो गेहूं है वो हमारे एक अनकरेक्ट है, क्योंकि वीट जो है हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, इज में, ठीक है। वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी, आर नहीं होगा इसमें, इज होगा, ये कुछ नियम है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, ये वाला जो घर है ये ब्रिक और स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। इज दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, तो इसमें सिंगुलर में ही होता है, तो ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक एंड स्टोन होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले नियम पे। अगला नियम कुछ इस प्रकार है, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का आकार करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये देखिए पहला एग्जाम्पल ये वाला, ही गिव मी अ 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट, इसमें जो है 5 रुपीज़ जो है नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है नोट के लिए, ठीक है, 5 रुपी, तो इसमें ये रुपी 5 जो है इसमें नाउन हो गया, तो 5 इसमें एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, तो इसमें ये रुपीज नहीं होगा, इसमें जो है हमेशा सिंगुलर में यूज होता, यही बता रहा है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा गया है, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है, तो ये हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होगा। इसमें क्या लिखेंगे, ही गेव मी अ 5 रुपी नोट, ठीक है। माई ब्रदर रैन 5 माइल्स रेस, तो 5 माइल्स नहीं होगा, मील होगा, ठीक है, MILE, ये इसमें 5 माइल नहीं होगा, 5 मील होगा, ठीक है। चलते हैं अगले नियम पे। हमारा अगला नियम क्या कहता है, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम चाहे वह देखने में प्लूरल ही क्यों ना लगें, अर्थ में सिंगुलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपको इस पे बेस्ड, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक, आप लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या हो गया, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम चाहे वह देखने में प्लूरल ही क्यों ना लगें, अर्थ में सिग्नल होते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, इसमें देखिए हैज़ ही लगा गया है, ठीक है, क्या लगाया गया है, हैज़ लगाया गया है, क्योंकि ये द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है यह प्लूरल में नहीं सिंगुलर में यूज किया गया है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ लार्ज लीडिंग न्यूज, तो इसमें देखिए इज लगाया गया है, क्या होता है इज का मतलब कि हमको इसको सिंगुलर के रूप में यूज किया है। जैसे द अरबियन नाइट्स इज अ फेमस, इसमें देखिए इसमें इज अ फेमस नाइट होगा, इसका मतलब ये सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम कुछ इस प्रकार है, मीन्स पेंस वेजेस आदि नाउंस के वर्ब प्रयोग के आधार पर सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसको छोड़ते हैं। ये नियम देखते हैं, अभिवादन में रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभिवादन में रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, ठीक। और वर्ड शब्द प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर तथा शब्द के अर्थ में प्लूरल होता है, जैसे प्रतिज्ञा, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, तो इसमें वर्ड शब्द प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर तथा शब्द के अर्थ में, प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में वर्ड का मतलब सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे, अगर और शब्द के अर्थ में प्लूरल होता है, शब्द कोई हो उसके अर्थ में प्लूरल होता है, प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर होता है। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, उसने अपने प्रॉमिस को नहीं रखा, ठीक है। देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, ठीक है। ये देखिए प्रतिज्ञा के रूप में यूज किया गया तो इसको प्लूरल में यूज किया गया, ये ऐसे वर्ड के रूप में यूज किया गया तो इसको प्लूरल में यूज कर दिया गया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये देखिए कुछ नाउंस दे रखे हैं, उनके प्लूरल्स निम्नलिखित हैं, जैसे टूथ का क्या होता है, टीथ होता है, फूट का फीट,
ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चीफ का चीफ्स, पासर बाई का पासर्स बाइस, माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, हूफ का हूफ्स, ऑक्स का ऑक्सन, ये शब्द हैं आपके। तो आशा करता हूँ आपको ये नियम समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नियम पे, जैसे एक्सेस का एक्सेसेस, गीस का गीस। ये मैं PDF दे दूँगा, आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। अब पजेसिव केस क्या होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस आपको अगर ये PDF फाइल चाहिए तो मैं इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, पूरा नाउन जैसे मध्य जितने भी नियम हैं इसमें लिखे हुए हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे हमको अच्छा लगेगा। और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए रहिए हम लोगों को, हमारी पूरी टीम पूरी जी जान से लगी हुई है, पूरे सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगी हमारी मेहनत। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो उसमें बताइए भी कमेंट में कि कैसा लगी आपकी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।